ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग में जबरदस्त हंगामा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल टेबल की कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल को ही दे मारी। हालांकि जगदंबिका पाल तो बच गए, लेकिन टूटी हुई बोतल के कांच से खुद कल्याण बैनर्जी घायल हो गए। इस हरकत के बाद जेपीसी की मीटिंग रोकनी पड़ी। इस शर्मनाक व्यवहार के लिए कल्याण बैनर्जी को एक दिन के लिए जेपीसी की मीटिंग से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद कल्याण बैनर्जी से पूरी घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कमेटी के ज्यादातर मेंबर्स झगड़े पर खामोश हैं। सारे मेंबर्स नियमों का हवाला देकर कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि कल्याण बैनर्जी का इस तरह हमला करना ठीक नहीं है। जगदंबिका पाल ने कहा कि उन्होंने इस घटना की शिकायत स्पीकर ओम बिरला से की है। मैं चार बार लोकसभा का सांसद रहा हूं, पांच बार मैं विधानसभा और विधान परिषद में रहा हूं। पिछले 40 वर्ष के संसदीय जीवन में तमाम मैं कमिटीज का चेयरमैन भी रहा हूं, लेकिन आज जो घटना हुई है, ऐसी घटना की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस तरह से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चेयरमैन के ऊपर, ये भी नहीं कि केवल बोतल फेंक दिया, बोतल को तोड़ा और उसके बाद उस बोतल को जिस तरह देखा मेरे सामने आके गिरा। मुझे लगता है कि कल कोई रिवॉल्वर लेके आ जाए, मेंबर को प्रिविलेज है। इस तरह की घटना में मैं तो कितना आहत हूँ। आप बोतल तोड़ के किसी के ऊपर फेंकेंगे या मारेंगे, ऐसी कौन सी, इसके बावजूद भी एक दिन के लिए उन्हें निष्कासित किया गया है। यह पार्लियामेंट का मामला है, हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को जेपीसी की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। अगर वो मेरे ऊपर बोतल गिर जाती तो मेरी आँख भी जा सकती थी, मेरे चेहरे पे कितना नुकसान हो सकता था, क्योंकि उन्होंने जब बोतल तोड़ा है तो उनके हाथ में भी चोट लगी। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। पुणे में चेकिंग के दौरान पुलिस ने गाड़ी से 5 करोड़ रुपए बरामद किए। इस पर सियासत शुरू हो गई। संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असल में पैसा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दफ्तर से भेजा गया था। राउत ने कहा कि शिंदे ने अभी सभी उम्मीदवारों को 50-50 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कल भेजी जा रही थी, इसलिए पुलिस ये भी नहीं बता पा रही कि गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ था। कल दो गाड़ियां थी, उसमें लगभग 15 करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था किए। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। उसमें से सांगुला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे थे। अभी 5 करोड़ का तो हिसाब लग गया, 10 करोड़ छोड़ दिया। उसी विधायक के लोग गाड़ी में थे। मुख्यमंत्री के बंगले से एक फ़ोन आया और पूरा मामला रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन 5 करोड़ रुपये हमारे लोगों ने जब्त करवा दिए। सिर्फ गाड़ी जब्त की और पैसा जब्त किया, इसलिए वो पैसा सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से ऑपरेट हो रहा है। इसके लिए हमारे पास पूरे एविडेंस है, जल्दी आ जाएगा सामने। ये एक उदाहरण है किस तरह से पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या अजीत पवार की तरफ से। इसके बाद आदित्य ठाकरे ने सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े किए। ठाकरे ने कहा कि अगर ये पैसा सत्ता पक्ष का होगा तो जांच में कुछ भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। बात स्पष्ट है, अगर सत्ताधारी पक्ष का कोई होगा तो कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमने तो पहले ही कहा है कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होगा तो पता चलेगा, अगर नहीं होगा तो बात सबको, आपने जैसे कंजेक्चर्स लगाए वैसे लग जाएंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के आरोपों का जवाब दिया शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने। संजय निरुपम ने कहा कि विपक्ष पकड़े गए पैसे को लेकर फिर झूठा
नैरेटिव सेट करने में लगा है। निरुपम ने कहा कि जो पैसा पकड़ा गया है उसका उनकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात जांच में साफ हो जाएगी। पुणे में एक गाड़ी में कोई 5 करोड़ रुपए नगद पकड़ी गई। महाविकास अघाड़ी वाले इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि उस नगद से हमारी पार्टी का और हमारा कोई लेना देना है। शिवसेना का या पूरे महायुति का उस गाड़ी से, उस नगद से कोई लेना देना नहीं है। हम खुलेआम चुनौती कर रहे हैं, हम सरेआम चुनौती दे रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस और चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण की जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी जो भी है वो सामने लेकर के आए। इस पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान मैं अपने सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि सही मुद्दे पे चुनाव लड़िए, झूठ और दुष्प्रचार के मुद्दे पर चुनाव मत लड़िए। महाविकास अघाड़ी के सारे नेताओं ने अलग अलग रकम होने का दावा किया। शरद पवार की पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा कि 20 करोड़ रुपए जब्त हुए थे, 4 गाड़ियों में पैसा लाया गया था। उसके बाद जितेंद्र अवहाड़ ने कहा कि सत्ता पक्ष के सारे बड़े नेता हेलीकॉप्टर से पैसे की सप्लाई कर रहे हैं, चुनाव में जमकर पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ने आंखों पर पट्टी बांध ली है। कैश 17 करोड़ की थी, पकड़ी गई, 5 करोड़ दिखाए गए। क्या करने वाला है? एक्शन लेने वाला है। चुनाव आयोग तो कठपुतली है, क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। पर सिर्फ 17 करोड़ रुपया एक आमदार को दिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए, यानी देखिए क्या पैसा जा रहा है। मेरा ये दावा है कि जो जो सत्ताधारी मंत्री और बड़े मंत्री है वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसे ले जाने के लिए करते हैं, क्योंकि किसी गांव में उतर गया हेलीकॉप्टर, वहां कौन चेकिंग करेगा? जितेंद्र अवहाड़ को जवाब दिया बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के आरोपों को सही मान भी लिया जाए तो ये पैसा महायुति की तरफ से भेजा गया था तो भी उसे पकड़ा गया, महाराष्ट्र की पुलिस ने उसे जब्त किया, इसका मतलब सरकार जिम्मेदारी से काम कर रही है। सरकार संवेदनशीलता के साथ काम करती है, पुलिस विभाग संवेदनशीलता के साथ काम करता है। ये तो विरोधी पार्टी है फिर इसका मतलब है कह रही है, अगर कैश पकड़ी गई है तो फिर इसका मतलब ऐसा है कि सरकार चुनाव में गंभीरता से काम कर रही है। अब वो कैश किसकी है, कौन से काम किए गए ली जाए, ये तो चौकसी का भाग है। मगर एक तरफ ये कहना और दूसरी तरफ फिर, यानी एक फिल्म थी उसमें कादर खान 2 बाजू गेता था, तो वैसे ये फिल्म 2 गेपन हमारे राज्य में पकड़ी गई ना, और अगर हमारी ही किसी व्यक्ति की होगी फिर भी पकड़ी जाती है, इसका मतलब क्या है? सरकार चुनाव में संवेदनशील है, न्याय अन्याय इसमें न्याय के और सत्य के बाजू से खड़ी है, इसका अर्थ नहीं होता क्या भैया? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार विपक्ष के आरोपों पर भड़क गए। अजित पवार ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, एक बार इस मामले की जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा। चौकशी करा ना, काही जण बिनबुडाचे आरोप करतात, ज्याचे पैसे सापडलेले त्याच्या संदर्भातली चौकशी करावी, दूध का दूध पाणी का पाणी पुढे येईल।